बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज के अपडेट। अब यह है कि भाई कल ही टिकटॉक के ऊपर सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब लाइव आए थे। अच्छा, आप भाई साथ बहुत से बंदों ने उसके मुतालिक बहुत सी न्यूज शेयर कर दी है पहले से ही यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह के ऊपर, कि उन्होंने भाई बहुत से मसाइल के ऊपर बात की जो हम पाकिस्तानियों को यहाँ पर दरपेश है, या फ्लाइट वगैरह के ऊपर या वैक्सीन वगैरह के ऊपर। तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी, मैं देख रहा था, तो मैंने उसमें से एक बात काफी अच्छी नोट की है, आप भाई के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूं। मैं थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा सॉरी, के नौकरियों के मुतल्लक, जॉब के मुतल्लक, सऊदी अरब में जो मेरे भाई बेरोजगार हैं उनके मुतल्लक, और जो न्यू वीजा के ऊपर सऊदी अरब में आ रखे हैं खासकर आजाद बंदे। फ्लाइट्स तो खोली ही जाएंगी भाई, आपको पता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, यानी कि 21 तारीख से पहले पहले मुझे उम्मीद है पूरी इंशाल्लाह ताला फ्लाइट्स ओपन कर दी जाएंगी। तो अगर वो न्यू वीजा वाले भी जब सऊदी अरब में आ जाएंगे, तो आपको भी किसी किस्म का यहाँ पर कोई मसला होगा, कोई जॉब, कोई नौकरी की तलाश होगी, तो आपके लिए ये बेस्ट है जी। कहा गया है कि 22 फिर पाकिस्तान बिलाल साहब की तरफ से लाइव कहा गया है यहां पर। पहले तो मैं आपको वो उनका क्लिप चलाकर दिखा दूं, उसके बाद ही मैं खुद आपके साथ बात करूंगा। में रहते हुए तो वो उनको प्रेफर करेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अलावा या टेक्निकल एक्सपर्टीज के अलावा, तजर्बे को देखते हुए वो ये भी देखेंगे कि किसी ने अगर सऊदी वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसे भी ले लेंगे। तो मैंने इनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री उधर से चेक किया था, दे सेड के जी भले कोई लीगल है या इलीगल है, एवरीवन कैन गो और जाके उनके वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हमारे पास आप रजिस्टर भी हों और सऊदी वैक्सीन भी लगवाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक और कंपनी आई थी, मेरा ख्याल ये था कि वो 20-25-30 लोगों की बात करेंगे, तो आज वो नवीद कितने की बात की उन्होंने, 200 ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, टेक्निकल ऑपरेटर्स 200 के लगभग हमसे मांगे हैं। और ये जो हमारे थ्रू जाएंगे इन कंपनीज में, नंबर वन उनको कोई पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, एम्बेसी को नहीं करनी पड़ेगी। कोई एम्बेसी में से कोई बंदा पैसे मांगे तो आपने मुझे बताना है कि पैसे मांग रहे। नंबर टू, हमारे बीच में होने की वजह से वो जो लीगल एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेंगे, हम उस लीगल एग्रीमेंट की एक कॉपी एम्बेसी में रिटेन करेंगे, और वो एक फर्दर एक चेक होएगी कि वो कोई आपके साथ किया हुआ लीगल एग्रीमेंट उसको वायलेट ना करे। वो हमारी कोशिश ये है कि इंडिविजुअल कफील्स को ना हम दें, हम बड़ी कंपनियों को अपनी मैन पावर सारी के सारी दें। तो ये हम चंद कोशिशें कर रहे हैं जी। तो आपने ये क्लिप सुन लिया जिसमें वो बता रखे हैं कि 200 से जायद बंदे, कल ही एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी ने हमारे साथ रब्ता किया है, उन्होंने हमको ये कहा है कि हमें 200 से जायद बंदे चाहिए जिनमें ड्राइवर और ऑपरेटर हजरात हैं। जहां भाई 200 से जायद ड्राइवर और ऑपरेटर चाहिए हो ना, वहां पर हजारों की तादाद में फिर लेबर होती है। तो आप यहां पर इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो हम, अगर आप हमारे थ्रू किसी के पास जाएंगे और उसके साथ कोई भी किसी किस्म का एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का आप एग्रीमेंट करेंगे, सैलरी जो भी लिखाएंगे, इकामा आपका अगर एक्सपायर है, अगर आप उस कंपनी से इत्तेफाक करेंगे कि वो आपका इकामा रिन्यू कर दे और हर सैलरी से आपके इतने पैसे काटती रहे, भी जो भी किसी किस्म का आपका भाई इत्तेफाक एग्रीमेंट होगा उस कंपनी के साथ जो ये बंदा बिलाल साहब बता रहे हैं, यानी कि इनके थ्रू पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू अगर आप जाएंगे तो फिर उस एग्रीमेंट की एक कॉपी पाकिस्तान एम्बेसी के पास भी होगी। क्यों भाई, कल को वो कंपनी, वो मुसस्सा आपके साथ कोई भी किसी किस्म की दो नंबरी कोई फेक मामला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान एम्बेसी के पास भी उसकी एक कॉपी मौजूद होगी, वो बंदे ने जो भी किसी किस्म का आपके साथ एग्रीमेंट किया होगा उसके ऊपर उसको बिल्कुल पूरा उतरना होगा। आपने अगर 2 साल का एग्रीमेंट किया तो 2 साल आप भाई उस एग्रीमेंट के अंडर रहेंगे, उसके बाद आप उसके साथ या किसी और के साथ न्यू एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जितने भाई 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का आप एग्रीमेंट करेंगे, उतने दौरान, यानी इस टाइम के दौरान आप भाई उसी कंपनी के अंडर में रहेंगे, ना तो वो बंदा फिर इस एग्रीमेंट से भाग सकेगा और ना ही आप इस एग्रीमेंट से भाग सकेंगे। तो एक अच्छी चॉइस है मेरे हिसाब से, जो मेरे भाई सऊदी अरब में जॉब वगैरह तलाश कर रहे हैं वो भाई पाकिस्तान एम्बेसी में रब्ता कर सकते हैं। आप जद्दा में जाएं, डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं, तो रब्ता करें अपने वहां पर सीडी वगैरह जो होती है, अपने कागजात वगैरह, या अगर आप ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, लाइसेंस वगैरह ऑपरेटर हैं, तो आप अपनी मशीन वगैरह उनको चलाकर दिखा सकते हैं, या आपका मशीन वगैरह का लाइसेंस है वो भी उनको दिखा सकते हैं। तो उनसे रब्ता करें, वहां पर अपने कागजात वगैरह जमा करवाएं, अपना नाम वगैरह लिखवाएं,
जब भी उनको भाई किसी भी कोई बंदा बोलेगा उस चीज के मतलब, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आपके लिए बेस्ट है जी, मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया में। इससे होगा क्या, इससे भाई आपका जो भी अग्रीमेंट होगा उससे भाई वो बंदा भागेगा नहीं जिसके साथ आप अग्रीमेंट करेंगे। तो इकामा एक्सपायर वाले बंदे भी अगर चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, यानी कि कंपनी आपका इकामा लगा दे तो आप सैलरी वगैरह से उनके जो भी प्राइस वगैरह होंगे वो कटवाते रहेंगे। ये भी आपके लिए भी बेस्ट है जी।